नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बडी अदैत में आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो लेकर, क्योंकि दोस्तों कल मैं हरिद्वार गया था, आप लोगों को मैंने गुड़ की मेकिंग दिखाई। सब लोग कह रहे वीडियो नहीं डाल रहे शर्मा जी, मैंने कहा वीडियो डाल देता हूँ। तो वहाँ पर गुड़ खरीदने के लिए रुके तो मैंने कहा इनका वीडियो बना लेते हैं। दोस्तों खेती से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनमें थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो मैंने कहा और लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी कैसे क्या होता है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के लिए हाजिर हूँ, मेरा नाम है वैभव शर्मा और सबसे पहले बताऊँगा कुछ बात करेंगे आलू के बारे में, चर्चा करेंगे दोस्तों, मन है बात करने का कि क्या होने वाला है, बहुत से लोग क्या कह रहे हैं और क्या दुनियादारी की वो है, थोड़ा मन के विचार आज मैं आप लोगों को बताऊँगा और समस्त मंडियों के भाव बताऊँगा कि मंडियों में तेज़ी कैसे बन रही है, क्या कारण है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, वीडियो पूरा देख लिया करो कभी कभी तो कोई, क्योंकि और जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक फेसबुक का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, ट्विटर पर भी फॉलो कर लें मन हो तो जितने भी लोग चलाते हो। तो दोस्तों किसान भाइयों के मन में सबसे ज़्यादा एक समय हर आदमी के मन में दुविधा ही कि क्या होने वाला है आलू का। अब भाई दुविधा तो होगी, अब दुविधा यूँ होगी कि भाई इतनी मेहनत की है खेतों में रात को जग जग के, और रात को भी जगना पड़ता है क्योंकि आवारा पशु बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, और दिन में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी धूप में भी लोग खड़े हुए हैं अपने, इस समय कोई पाल कटवा रहा है, कोई दवा लगवा रहे हैं, सब लोग मेहनत में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, भयंकर धूप निकल रही है इस समय, किसान की मेहनत तो है ही मेहनत। तो दोस्तों अब लोगों को फिर उत्सुकता ये भी रहती है कि भाई क्या रेट बिकेगी कोई चीज़ मेरी। अब एक बात बताओ, आप अगर आप कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं, जैसे मैंने कोई एक किसी भी चीज़ की एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का ही काम जैसे मान लीजिए कोई आदमी कर रहा है और उसने अपना प्रोडक्ट बनाया, तो उसको भाई सबसे ज़्यादा उत्सुकता ये रहती है कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा भाव में बिके। जैसे भी किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी चीज़ जैसे बन रही है, कोई कपड़ा बनाने वाला व्यापारी है तो वो यही चाहेगा कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो किसान भी यही सोचते हैं, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि किसान तो हमेशा तेज़ी में रहता है। तो भाई साहब कोई चीज़ अगर कोई आदमी अपनी चीज़ में मेहनत कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बनाने में मेहनत कर रहा है या कोई फसल उगाने में मेहनत कर रहा है, तो वो तो चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट महंगे से महंगे रेट में बिके और बिकना भी चाहिए। तो इसमें कुछ लोग इसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं कि अरे किसान तो हमेशा तेज़ी में रहता है, तो भाई किसान को तो हमेशा तेज़ी में रहना चाहिए, क्योंकि किसान को तेज़ी से ही, किसान के लिए जितनी तेज़ी उसको मिल जाए उतनी ही उसके पास कम है, ठीक है। डीजल के रेट, बिजली के रेट, हर चीज़ के रेट हाई हो चुके हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि किसान अगर कोई ईमानदारी से एक एवरेज स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं किसान, और कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि एक गरीब किसान के यहाँ के कभी कभी उस पर उसके बच्चों पर किताबें नहीं होती हैं। तो मैंने दोस्तों मैंने भी वैसे मेरा हम लोगों के परिवार में ज़्यादा खेती है, हमारा भी मतलब जो भी हमारा जीवन गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा है, मतलब खेती से ही गुजरा है, खेती का ही मेन हमारा काम रहा है। कुछ लोग दोस्तों मेरे साथ, मैं जब स्कूल जाता था तो कुछ ऐसे मतलब पढ़ते थे मेरे मित्र जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत खेती होती थी, उनके पिताजी खेती कर रहे होते थे, खेती करते हैं, थोड़ी खेती होती थी, तो दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता था कि कभी कभी दूसरे मेरी किताबें ले जाकर या मेरे को भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती थी, और अच्छे जो स्टूडेंट थे जो शहरों में रहते थे तो मुझे भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती थी, तो मैं उनकी किताबें लेकर अपना काम चल रहा था, ठीक है। तो ये किसान और फीस की आप ये कहो तो ये स्थिति देखी है लोगों ने, हम देखते थे और हमारे यहाँ भी कभी कभी ये परिस्थिति हमने देखी है कि फीस भी स्कूल वाले बार बार फीस की कह रहे हैं और फीस नहीं जमा हो पा रही है कभी कभी। तो दोस्तों ये स्थिति किसान के ही होती है, जो नौकरी कर रहा है जिसको हर महीने तनख्वाह मिल रही है, व्यापार कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आती है, किसान की स्थिति इसलिए ख़राब रहती है बहुत ज़्यादा क्योंकि किसान को मालूम नहीं है इस साल भी मौसम बीच में कितना उतार चढ़ाव रहा, जिन लोगों का फसल में नुकसान हुआ, जिन एरियों में फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ दोस्तों, उन लोगों की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। अब देखो जिसको जो आदमी अपने बढ़िया एसी ऑफिसों में बैठे हुए हैं उन लोगों को क्या पता है क्या होता है नुकसान, किसान नुकसान तो भाई किसान को ही पता है कि नुकसान हमारा नुकसान कितना अगर खेती में किसानों को झेलना पड़ा इस साल, जिन लोगों के खेती में पानी भर गया और आलू उनका जो अंदर ही सड़ गया, सारी मेहनत उनकी व्यर्थ चली गई, उसको मालूम है कि नुकसान क्या होता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ नुकसान के ऊपर, क्योंकि किसानों का नुकसान जो है वो मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और समझें कि किसान कितनी मेहनत करता है, उसके बाद उसकी मेहनत का उसको परिणाम मिलना चाहिए कि नहीं, फल मिलना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए दोस्तों मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, अब मैं आलू के भाव के बारे में बात करूं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ पैदावार के बारे में बात करेंगे, तो पैदावार इस साल कम निकल रही है, हर जगह की बात करें तो हर जगह ही मेरे साथ तो मेरा नंबर बटा हुआ है ऑल ओवर इंडिया से, मुझे फ़ोन करते हैं लोग। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी जो मेरे किसान हैं वो बताते हैं कि शर्मा जी
पिछली बार अगर हम 10 कट्टे बोकर 100 कट्टे निकालते थे तो इस बार 10 कट्टे बोकर हमारे 80 कट्टे ही निकल रहे हैं। ठीक है, एवरेज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे यूपी में कुछ किसान हैं, हमारी 37-97 की बात हुई कि क्या रे, जैसे अभी आगरा साइड में जो अचनेरा फतेहपुर सीकरी साइड में मशीनें लग गई हैं, क्योंकि वहाँ लाइट ब्लाइट से आल जल्दी ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ पर भी लोग बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे एकड़ की अगर मैं बात करूँ तो एकड़ में उनके यहाँ मात्र वही 180 से 150 से लेकर 200 पैकेट निकल रहे हैं एक एकड़ में, जबकि ये वहाँ का अच्छा पैदावार निकलती थी और वहाँ लगभग एक एकड़ में आलू आप निकाल 300 कट्टे तक निकल आते थे आराम से, 300 से और 325 कट्टे तक निकलते थे, तो इस साल 180-200 कट्टे ही निकल रहे हैं, ये लोग मेरे को बताया जा रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो यहाँ मैं अपने विचार रखने का मेरे को पूरा, मैं डरता किसी से नहीं हूँ, मैं सोचूं कि पैदावार ज़्यादा बताऊं कम बताऊं इससे कुछ नहीं होता, बात करनी चाहिए एकदम सही सटीक जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं। अब हम फेस कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं, लोग हमसे कह रहे हैं कि पैदावार कम निकल रही है, उसको हमको कम बताना है भाई, उसमें किसी का हमको डर नहीं होना चाहिए कि हम बता दें कि कम निकल रही है पैदावार, क्योंकि आगे के लिए डर हो क्या होगा ये होगा। देखो भाई, जो चीज़ प्रेजेंट में है उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, जब तक हम पारदर्शिता किसी चीज़ में नहीं रखेंगे तो वो काम नहीं आएगी, मतलब पारदर्शिता हर चीज़ में ज़रूरी है। आज दोस्तों मैं जाऊँगा अचनेरा साइड में आगरा के और ये पूरा फतेहपुर सीकरी तक जाऊंगा, वहाँ पे कई जगह खुदाई लग चुकी है, आप लोगों को दिखाऊंगा कैसी निकल रही है पैदावार। और भाव की बात करें दोस्तों, मंडियों में तो सारी मंडियाँ करंट पे हैं, तो किसान बात मैंने की किसानों के बच्चे या किसानों का परिवार बहुत ज़्यादा, अगर कोई करीब से देखे तो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, बहुत अच्छी नहीं रहती है। बड़े बड़े किसान एक मैंने समझदार हैं हमारे मिलने वाले हैं, वो अब मैंने उनका एक वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े जो किसान हैं वो इस समय तेज़ी बना देते हैं, कोल्ड स्टोर वाले इस समय तेज़ी बना देते हैं कोल्ड भरने के लिए। दोस्तों, जिस आदमी को आलू बेचना है, जिस आदमी को ज़रूरत है, वो आदमी खेत पे भी बेचता है, रिस्क वही आदमी ले पाता है जिसमें क्षमता हो। बड़े बड़े कोल्ड स्टोर वाले रिस्क ले लेते हैं, बड़े बड़े आढ़ती रिस्क ले लेते हैं, भैया बड़े बड़े किसान ले लेते हैं, किसान भी बड़ा बड़ा तब रिस्क लेने की पोजीशन में आता है जब उसको कोल्ड वाले फंडिंग कर देते हैं। ठीक है, किसान आलू भी तभी कर, जो स्थिति रियल क्या है, अगर कोल्ड वाले फंडिंग करना, जो पैसा पहले एडवांस देना बंद कर दें, तो लोग आधे से ज़्यादा जो पट्टे पर लेकर खेती करते हैं हमारे यहाँ, जो किराए पर लेकर खेती करते हैं, वो लोग खेती करना बंद कर देंगे, क्योंकि दोस्तों उन लोगों का कभी भी कोल्ड स्टोर से जो लमजड़ होता है, लबेड़ होता है, वो कभी क्लियर नहीं हो पाता है। हर साल 20-30 लाख 50-50 लाख टूटते हैं, कोल्ड वालों के पैसों से ही आलू कर लेते हैं और कोल्ड स्टोर में ही लौट के आके रख देते हैं, एक चक्कर घूमता रहता है। तो ये सब चीज़ कहना मेरे हिसाब से तो गलत होगी कि लोग ये कहते हैं कि, मैंने दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत करीब से देखी हैं, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ और मेरे यहाँ कोल्ड स्टोर भी रह चुके हैं, तो मैंने ये चीज़, मुझे कोल्ड स्टोर की ABCD मुझे मालूम है कि क्या कंडीशन बनती है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे कोल्ड वाले तेज़ी बना रहे हैं इस समय, कोल्ड वाले तेज़ी बनाने वाले नहीं है, कोल्ड वाले तेज़ी बना, एक चीज़ बताइए, जिस आदमी को ज़रूरत है पैसे की, कई कल एक किसान आए मेरे पास, फोना शर्मा जी मेरे आलू के 650 रुपये लग गए हैं, बेचूं कि नहीं बेचूं, मैंने बिल्कुल बेचना चाहिए, उसने अपना आलू बेच दिया, अरे भाई उसको ज़रूरत थी तो बेचा, जिसमें क्षमता है, जिसमें आलू रोक के रखने की क्षमता है वही आलू रोक सकता है, जिसमें क्षमता नहीं है, मेरे पास क्षमता है, ठीक है, मेरे पास क्षमता है, मैं अपना सारा आलू कोल्ड में रखूँगा, ठीक है ना। अगर मैं XYZ में एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ, या कोई भी है, एक भी किसान है, अगर उसके अंदर क्षमता है कि भाई मैं कोल्ड स्टोर में अपना आलू रखूँगा, तो भाई वो रख सकता है, उसको दिक्कत क्या आ रही है कोल्ड में रखने में, ठीक है ना। तो कोल्ड स्टोर बने ही काय के लिए है, साल सरकार इतना जोर दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड स्टोर बनने चाहिए, आलू बाहर नहीं रह जाए, किसान को दिक्कत नहीं आए, तो भाई कोल्ड स्टोर बने ही इसलिए है सरकार, ठीक है ना, सरकार दोस्तों उस पर सब्सिडी भी देती है। तो यही है सारी कहानी, और तेज़ी बनाना, मद्दा फैलाना, ये दोस्तों किसी के हाथ में नहीं है, ये प्रोडक्शन तेज़ी मद्दा बनाता है, हर आदमी कलाकार है, हर आदमी समझदार है, ठीक है। और तेज़ी, कोई भी बड़ा किसान या छोटा किसान, कुछ तेज़ी बनाने में कुछ नहीं होता है। और तेज़ी, एक चीज़ बताइए दोस्तों, या तो देखो लौट फेर के होना क्या है, अगर आलू खेत में बिक जाएगा, मंडी तो लोड होके कहीं जा नहीं रहा, अब हमारे यहाँ आगरा में खुदाई क्षेत्र में शुरू होगी तो क्या मंडी थोड़ी लोड होके क्या आलू जाएगा, आप बताइए मुझे, आलू तो यही रहना है ना, मंडी में तो जाना नहीं है लोड होके, आलू तो या तो कोल्ड स्टोर में किसान के थ्रू रखा जाएगा या कोल्ड स्टोर में व्यापारी के थ्रू आलू रखा जाएगा, यही तो होता है। तो चलिए दोस्तों भाव और सुन लीजिए, दो तीन मंडियों के, फिर उसके बाद चलते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों पूना की बात करें तो पूना में जो गुजरात का आलू आ रहा है वो 12 रुपए से लेकर 13 रुपए किलो तक बिक रहा है, इंदौर का 12 से लेकर 15 रुपए किलो तक बिक रहा है, और एक्स्ट्रा सुपर इंदौर का 15 से 16 रुपए किलो तक, और बेंगलोर का लोकल आलू दोस्तों 1000 से 1200 रुपए किलो तक, वो 1200 रुपए तक बिक रहा है दोस्तों 50 किलो, और नॉर्मल 900 से 1000 रुपए तक बिक रहा है 50 किलो, और कोल्ड स्टोर का जो हल्का माल कहीं से पहुँच रहा है वो 700 से 800 रुपए तक बिक रहा है 50 किलो। और गुवाहाटी में दोस्तों बात करें तो लोकल आलू 9 से लेकर 10 रुपए किलो तक, एक्स्ट्रा सुपर 11 से लेकर 12 रुपए किलो तक, और दिल्ली आज़ादपुर की बात करें तो बढ़िया आलू जो एल आर नहीं जो पंजाब का बिक रहा है 350 से 370, और हापुड़ का बिक रहा है 370 से लेकर 400 रुपए तक, ये 50 किलो के भाव हैं, और संभल का बिक रहा है 400 से 420 रुपए तक, ये 50 किलो के भाव हैं, और पंजाब की बताया जा रहा है, पंजाब ये कह रहे हैं कि 15% नुकसान बताया जा रहा है किसानों के द्वारा। तो अब तो दोस्तों कोई कुछ भी कह सकता है, पंजाब की स्थिति मैं आपको बता देता हूँ तो पंजाब में बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है ना। अगर पंजाब में नुकसान नहीं होता तो हालत ख़राब नहीं होते, लोग फरक्काबाद और यहाँ से बीज खरीद खरीद के हाइब्रिड आलू का ले लेके जा रहे हैं बंगाल में, और पंजाब में लौट लौट के पंजाब में आलू जा रहा है। चलिए दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो किसान भाइयों।